देखो राजस्थान नहीं सहेगा, राजस्थान इस उद्घोष के साथ, इस नारे के साथ कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की सभा के बाद प्रदेश भर में कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे। नहीं सहेगा राजस्थान जो भ्रष्टाचार है वो, नहीं सहेगा राजस्थान जो पेपर लीक हो रहे हैं वो, नहीं सहेगा राजस्थान जो बेरोजगारी है वो, नहीं सहेगा राजस्थान जो महिलाओं पर अत्याचार है वो, नहीं सहेगा राजस्थान जो दलितों पर अत्याचार है वो, नहीं सहेगा राजस्थान जो आदिवासियों के अत्याचार है वो, नहीं सहेगा राजस्थान जो तुष्टिकरण गहलोत साफ कर रहे हैं, नहीं सहेगा राजस्थान जो चप्पे चप्पे पर भ्रष्टाचार फैला हुआ। इन मुद्दों को देखे नहीं सहेगा राजस्थान कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान की कर्ज माफी नहीं, नहीं सहेगा बेरोजगार जिनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता। इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। अपराध नहीं सहेगा राजस्थान, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है, यही हमारे चुनावी मुद्दे हैं और इस सत्ता को बदलना है जिससे राजस्थान की जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है, यही हमारा आज की पत्रकार वार्ता का वो है। देखो ऐसा है, बलात्कार या कोई अपराध करे या कोई भ्रष्टाचार करे उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तो मेरा कहना ठीक नहीं है, वरना जाहिदा के पति जो प्रधान है कामा से, उन्होंने एक महिला के साथ रेप कर दिया, प्रमाणित तो हो गया, वारंट भी जारी है, लेकिन गहलोत साहब गिरफ्तार नहीं कर रहे, हम कब रोक रहे हैं? किसी भी दल का हो, हमारे दल का हो, कोई किसी जाति का हो, उसको गिरफ्तार किया जाए, किसी ने बलात्कार किया।